क्वेश्चन है अपने सामने, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 10,000 एट 14% पर एनम फॉर 2:5/7 ईयर वेयर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो भैया, अगर अपन बात करें एक साल पूरा लगेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, फिर एक साल पूरा लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, लेकिन फिर 5/7 ईयर लगेगा, 5/7 ईयर लगेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%। कैसे होगा? देखो भैया, पूरे एक साल के लिए कितना लग रहा है, तो आप बोलो सर 14%, 1/7 ईयर के लिए कितना लगेगा, डिवाइड बाय 7 कर दो और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7 × 14 और 5 × 10%। तो 5/7 ईयर के लिए कितना लग जाएगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है तो बस ट्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्री बना लेते हैं अपन, एक साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल कितना मिलेगा, तो आप बोलो सर 10,000 का मिलेगा, 14%, 14% का मतलब होता है 7/50, 50 से 1 कट जाएगा दो बार में, 200 × 7 कितना हो जाएगा, 1400, ये 1400 इधर मिलेगा। और तीसरे साल के लिए यहाँ पे कितना मिलेगा, 10% मतलब 1/10, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, बोलो सर 1000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कितना मिलेगा, इसका मिलेगा 7/50, तो देखो 50 से 1 0 तो कट ही जाएगी, बचेगा 140, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 2 = 10 और 5 × 8 = 40, 28, 28 × 7 कितना हो जाएगा, 28 × 7 हो जाएगा 196। ठीक है, अब यहाँ कितना मिलेगा, तो आप बोलो सर यहाँ मिलेगा 1/10, तो 140। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका कितना मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका भी 1/10 140 मिलेगा, और इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 19.6। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 14 × 28 और 10 = 38। ठीक है, उसके बाद 140 और 140 = 280 और 196 और 19.6 हो जाएगा 6 × 9 = 15 = 5 हासिल किया, 1 × 9 = 10 और 9 = 19, 8 × 2 = 10 और 2 = 12 और ये 4 हो जाएगा, 4 × 2। एक बात पॉइंट है, ये नियरेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,